बॉटम ऑफ मी हार्ट, मेरे हर दिल अजीज़ और मेरे दिल की धड़कन, द ग्रेट लीजेंडरी एक्शन डायरेक्टर ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री इंडियन सिनेमा आज हमारे बीच में है। गदर 2 इन पिछले साल की सबसे बड़ी कल्ट क्लासिक हिट मूवी थी। खुदा गवाह से जो सफ़र का आगाज़ हुआ है बेस्ट एक्शन डायरेक्टर का, वो अब तक नहीं रुका है। आप बॉर्डर फिल्म की बात करें, आप गदर की बात करें, आप डर की बात करें, आप जीत की बात करें, और माँ तुझे सलाम की बात करें, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो तुम्हें चीर देंगे, ऐसी ग्रेट फिल्म माँ तुझे सलाम, फिल्म द ग्रेट लीजेंडरी टीनू वर्मा जी ने बनाई थी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि उस फिल्म को बनाते हुए इन्हें दुबई से, अंडरवर्ल्ड से भी धमकियाँ आई थी, उसके बाद भी इन्होंने धमकियों की परवाह नहीं करते हुए एक योद्धा की तरह एक ऐसी फिल्म बनाई थी कि आसमान में इन्होंने माँ तुझे सलाम लिख दिया था। दोस्तों एक मिलिट्री पर्सन ब्रिगेडियर बन करके देश की सेवा करता है बॉर्डर पर, लेकिन दोस्तों बॉर्डर के बाद भी जो यहाँ पर रहते हुए अपनी देश की सेवा करते हुए बिना सितारों के भी आसमां का सितारा बनता है और देश के लिए जज्बा रखता है, वह सच्चा योद्धा ही दोस्तों बॉलीवुड का लीजेंडरी एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा होता है। थैंक यू। आज इन्हें ग्रेट लीजेंडरी एक्शन डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है और ग्लोबल इंडियन अवार्ड में, और आज ये इतनी दूर यहाँ पर भारत रत्न लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में आए हैं सिर्फ मेरी मोहब्बत के लिए और मेरी दोस्ती के लिए। यस सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब का एक प्यार है, मेरा इनका अलग रिलेशन है, छोटे भाई है मेरे, और आज मेरा इनका कुछ 8-10वां अवार्ड सेलिब्रेशन में जा रहा हूँ उनके जी जी। और इनका एक जो प्यार है, इनका एक जो प्रेजेंटेशन है, इंसान को आसमां पे बिठा देता है। उसकी जो मेहनत, उसकी लगन है, उसका पूरा इनके अल्फाज से निकल के दिल में बैठ जाता है। ये है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ आता भी नहीं इतना दूर है। थैंक यू वेरी मच। मैं जानता हूँ सर, मैं जानता हूँ सर, आप बायस को जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा अवार्ड फंक्शन था, बहुत अच्छा हुआ, और इतने बड़े बड़े लेडीज और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जम्मू कश्मीर, और ब्रिगेडियर गौतम गांगुली जी जो एनएसजी कमांडोज और ब्लैक हेड कमांडोज के ब्रिगेडियर। आज आई एम वेरी प्राउड टू बी विद देम ऑन द शेयरिंग द सेम स्टेज। मुझे अच्छा लगा और थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे आपकी मोहब्बत है सर, आपकी मोहब्बत है सर, आपकी मोहब्बत है। रियली लव यू फ्रॉम द बॉटम। फिल्म इंडस्ट्री में दोस्तों अगर हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, बाहुबली का एक डायलॉग था, जो अपने ऊपर अनुशासन रखता है वही दुनिया के ऊपर शासन करता है। Correct. तो दोस्तों ये अपने ऊपर अनुशासन रखते हैं, इसलिए बॉलीवुड के सभी सुपरस्टार्स पर टीनू वर्मा शासन करता है। थैंक यू। बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारी ऐसी इच्छा है कि ज़्यादा काम करें, ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें और आगे बढ़े। बच्चों का सवाल है तो बच्चों तो हमारा फ्यूचर है, और बच्चे को जितनी पढ़ाई देंगे उतना ज़्यादा वैल्यू सिस्टम बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और तिरंगा लहराएंगे। तो हमारी सबकी एक ही है ख्वाहिश कि तिरंगा ऊपर रहे। शैलेश जी ने बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है, बहुत लोगों को एनकरेज भी किया है, और जब सबको एनकरेजमेंट मिलता है तो और भी करने की इच्छा होती है। तो ही इज़ लाइक अ रोल मॉडल कि हम लोग भी हम ऐसे अच्छे काम करें और लोगों को शामिल करें। मैं तो सबसे पहले सुरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि जैसे इस फील्ड में ये काम कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ हमारे बच्चे जो जंगल ट्रेनिंग और इनके उसमें क्लब में जाके एक्स्ट्रा करिकुलम वाली एक्टिविटीज़ करते हैं, गेम्स में हिस्सा लेते हैं, उसके लिए ये हमारी माइंड और बॉडी के साथ साथ हमारे माइंड की बड़ी डेवलपमेंट होता है इससे। तो ये बहुत ज़रूरी है, हर जगह ऐसा होना चाहिए। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि महाराष्ट्र में मुझे पता चला कि तिवारी भाई साहब ये काम कर रहे हैं और काफ़ी सालों से काफ़ी स्कूलों से जुड़े हुए हैं, और आज हमें यहाँ बुला के हम सबको यहाँ पे ऐसे मंच पे जहाँ पे सब अच्छे अच्छे लोग जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, गीता मैम माई हैं, ये अपने में ही एक मिसाल है। जैसे स्पोर्ट्स में मैं तो हमेशा कहती हूँ, चाहे आप गेम मत रखिए उसको, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप गेम खेलते खेलते फिर आपका ट्रैक चेंज हो जाता है, पढ़ाई से आप अलग हो जाते हो, अगर
अगर लेकिन एक स्पोर्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप फुटबॉल खेल लीजिए, वॉलीबॉल खेल लीजिए, बास्केटबॉल खेल लीजिए, चाहे हॉकी खेल लीजिए, जो भी गेम है उसको एक ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए ताकि रोज़ वो खेलें। रोज़ नहीं तो एटलीस्ट 4-5 दिन आप हफ्ते में ज़रूर खेलें, जिससे आपका माइंड जो है फ्रेश रहता है, जो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम करिए, गवर्नमेंट के साथ मिल के करिए। आई एम श्योर कि आने वाले 2-4 साल में हम इनका नाम पूरे इंडिया में नहीं वर्ल्ड में सुनेंगे। और मेरी ये इनके साथ मनोकामनाएं हैं और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप बहुत अच्छी तरक्की करें और हमारे देश को आगे ले जाएं। और क्योंकि स्पोर्ट्स में हम सभी सिर्फ एक स्पोर्ट्स को जानते हैं, बट आप जैसे अभी टेनिस, फुटबॉल, ये सब बच्चे इतना अच्छा खेलते हैं, उनको हमारी मुझे उम्मीद, मैं आपसे ये मैं चाहूँगी मैम कि अगले आने वाले टाइम पे हमारी इंडिया की टीम जैसे फीफा में जाए। तो वो मुझे बड़ा तकलीफ़ होती है कि मैं बहुत देखती हूँ, मैं सिर्फ आई एम ए फैन ऑफ फुटबॉल, तो मैं कुछ भी रात के 12 बजे मैं कुछ छोड़ के मैं पूरे फुटबॉल देखती हूँ। और मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारी टीम नहीं है फुटबॉल की। आने वाले टाइम में मुझे पूरा यकीन है कि जिस जोश से, जिस वलवले से आप काम कर रही हैं, तो एक दिन हमारी टीम पक्का होगी और हम उस टीम को देखेंगे। फ्यूचर मुझे अब लग रहा है कि जैसे मतलब हमारा फुटबॉल जो है और टेनिस जो है, इट्स इन राइट हैंड। आज मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है, गीता मैडम जी आए हैं, इतना बड़ी हस्ती हैं, आज उद्योगपति हैं यहाँ, इंडिया का छोड़ो विश्व में इनका नाम है, और लाने वाले सबसे बड़ा मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, ब्रिगेडियर साहब जी का, और हमारे जो है ना दीदी जिनको हम सईदा परवीन गांगुली बोलते हैं, इंडिया का भारत की बेटी इनको बोल सकते हैं, और इन्होंने जो काम किया है ये पूरा हिंदुस्तान में सभी जगह चर्चा हमेशा होता रहता है। और मैं एक ही चीज़ धन्यवाद देता हूँ कि आज इनके बदौलत और ब्रिगेडियर साहब के बदौलत हम बड़े हफ्ते हमारे प्रोग्राम में आ गए। मैं इससे बढ़ के खुशी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सबसे बड़ा खुशी मुझे हो रहा है आज हमारा बहुत बड़ा, मैं एकदम दिल से प्रसन्न हूँ कि इतने बड़े हफ्ते आए। और इसका मेन सबसे बड़ा जो दीदी ने जो कार्यक्रम करवाए यहाँ पे चीफ गेस्ट में लाए, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद और ब्रिगेडियर गौतम जी को धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ही कार्यक्रम में हमारा 4 इवेंट है। और मैं इनका चरण स्पर्श करता हूँ, मेरी बहन है, मैं तो रात को 12 बजे भी हम इनको कॉल करते हैं, कोई नहीं करता है, इनके इतना बड़ा हफ्ती किसी की हिम्मत नहीं पड़ता है, जिन्होंने 90 इनकाउंटर छोड़ दो कितना बड़ा हफ्ती गूगल प्रोफाइल में आप चेक कर लीजिए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं, लेकिन मैं 12 बजे रात को भी कॉल करता हूँ कि दीदी मुझे प्रॉब्लम, लेकिन इनका एजुकेशन, इनका ज्ञान लेके आज हम पूरा हिंदुस्तान में जागृत आत्मनिर्भर भारत बच्चे को सब बता रहे हैं। जो ब्रिगेडियर साहब ने स्पीच दिए कि बच्चे मोबाइल पे जो आज साइबर क्राइम चल रहा है उसके विषय में उनके पास संपूर्ण ज्ञान का जो स्पीच दिया है उसके लिए धन्यवाद। और उसके लिए मैं यही प्रार्थना करूँगा सभी स्कूल वाले से पूरा इंडिया के कि ब्रिगेडियर गौतम साहब जी का जो संपूर्ण ज्ञान है, जो साइबर क्राइम चल रहा है उसका स्पीच लेने की कोशिश करें सारे स्कूल वाले, और उसको जो है ना और बड़े ध्यान से उसके अंदर मन में सोचे कि ये चीज़ सही है या गलत है, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान जो होता है आज के रूप में वो है स्कूल एजुकेशन के बच्चे लोग को, जो अच्छे बुरे सब मोबाइल पे दिखता है, और वह चीज़ ब्रिगेडियर गौतम साहब जी उसको जो है ना संपूर्ण में ज्ञान के रूप में देने चाह रहे हैं। और थैंक यू सो मच, मैं अभी इसी पे धन्यवाद देता हूँ। तो क्या बोलो, हाँ वो कैप्टन एडी मानिक ने सर ने, मैं तो कुछ कभी उनसे मांगा नहीं था, हमें सब लोग ने बोला स्पॉन्सरशिप करो, उन्होंने एक बोला तोहफा देता हूँ आपको, और उन्होंने बहुत बड़ा चीज़ दे दिया है, उनके लिए भी सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने गाड़ी दिया उन्होंने अचानक, मैंने 3-4 दिन से थोड़ा सा उनके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं किया था, मैं बोले तिवारी जी मैं छोटा चीज़ आपको दूंगा, छोटा चीज़ दूंगा, हम बोला मुझे तो जो स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है वो पहले दे दीजिए, मेरा काम सब गड़बड़ हो रहा है, लेकिन उन्हें जो चीज़ दे दिया ना कि बोलते गाड़ी का पैसा इधर लगाओ, सारे भारत में घूमने के लिए उन्होंने कार दिया। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक मेरी रोज़ की ज़िंदगी में एक डोज ऑफ मोटिवेशन बनकर आता है ऐसे अवार्ड्स,
आई थिंक मैं और भी ज़्यादा मोटिवेटेड इंकरेज्ड फील करती हूँ ताकि मैं अपना काम और भी अच्छी तरह से कर सकूँ। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो अगर आप मेरा शो देख रहे हैं प्यार का पहला नाम राधा मोहन, जो कि जी टीवी पे रोज़ 8 बजे मंडे टू संडे यानी कि रोज़ आता है, तो अगर वो देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि बेचारी राधिका के लाइफ में क्या हो रहा है। अभी वो युग और मोहन के बीच में थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। उसने लाइफ तो अपनी आगे बढ़ा ली है युग के साथ, पर कहीं ना कहीं अभी भी मोहन के साथ ही जुड़ी हुई है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। ऑफ कोर्स आप सबके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ लाते ही रहेंगे हम, ताकि आप सब एंटरटेन होते रहें। आई थिंक मेरे फैंस, फॉलोअर्स, वेल विशेज, उन्हीं की उनका प्यार, सपोर्ट, ये आज ये अवार्ड बनकर मेरे पास आया है। तो आई थिंक इतना प्यार, सपोर्ट, टचवुड मिल रहा है, तो फिर मुझे भी उतनी ही और मेहनत करनी पड़ेगी उन सबको एंटरटेन और खुश रखने के लिए, जो कि जिसकी मेहनत मैं ऑलरेडी कर ही रही हूँ और भी एफर्ट्स डालूँगी, यानी जो शुरू होगा कल से। तो बिल्कुल मैं एकदम डट के रेडी हूँ उन सबको एंटरटेन करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, मेरा नाम ज़ारा खान है और मैं बहुत खुश हूँ शैलेश जी ने मुझे यहाँ बुलाया पी क्लब अवार्ड के लिए। उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और एजुकेशन, सबको पता है एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आज यहाँ पे इतने सारे शख्सियत जो मौजूद हैं वो एजुकेशन की वजह से हैं, जो हमारे देश का भविष्य अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारी न्यू जनरेशन जो भी है उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए और हमारे गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए और हमारी फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए, आगे बच्चे बहुत कुछ कर सकें। जी, आज मेरा ट्रेलर लॉन्च हुआ है, द इंडियन स्टोरी, तेलुगु मूवी है और मैं बहुत खुश हूँ। 3 मई को रिलीज़ हो रही है और बहुत अच्छे पैमाने पे रिलीज़ है, IMAX, PVR, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं उसके पहले भी मैंने सलमान खान के साथ ऐड किया है और मेरी तेलुगु मूवी ऑलरेडी रिलीज़ है जिसका टाइटल है दुर्मार्गुडु, और ये जय हो इंडियंस और बोम्मा आदुर्स आने वाली है, मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट वो रिलीज़ होने वाला है। ज़माना एक टाइटल है, वो भी रिलीज़ होने वाला है। तो बैक टू बैक 3-4 मूवी मेरी रिलीजिंग पे है, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे बहुत प्यार दें और मैं बहुत तरक्की करूँ। थैंक यू भाई। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ शैलेश तिवारी जी का। मुझे और कुछ नहीं डिटेलिंग मालूम है कि किस लिए अवार्ड है, क्या है, लेकिन मुझे बोला 25 तारीख को अवार्ड आना है, तो जैसे शूटिंग पैकअप हुआ तो मैं और टिल्लू दोनों आ गए और बड़ा अच्छा लगा आप लोग से मिलकर, काफ़ी अच्छा लगा। और भी भाभी जी घर पर है तो 9 साल से मैं ये किरदार कर रहा हूँ, प्रेम चोपड़ा जी का, प्रेम चौधरी कैरेक्टर, लेकिन इसके पहले भी मैं ये किरदार करते आ रहा हूँ जो कि न्यू जनरेशन को नहीं पता है। जैसे मैंने भूगी उगी एक रियलिटी शो आता था उसमें मैं विनर बना था, फिर फिल्म दीवाने, काफ़ी रियलिटी शो किए और मैंने काफ़ी फिल्में की, जैसे धमाल में मैंने बंगाली का रोल किया था, बंगाली बाबू का, मैंने काफ़ी गुजराती पिक्चरें, ये किरदार तो मैं 30 साल से करते आ रहा हूँ प्रेम चोपड़ा जी का। और मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, देश विदेशों में मैं शो करता हूँ प्रेम चोपड़ा जी के अलावा, और भी काफ़ी फिल्म स्टारों की वॉइस निकालता हूँ, तो ये तो चलता रहेगा। ऊर्जा तो मिलती है बस। नहीं, एक अच्छा लगता है ना, मज़ा आता है, एक अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है। भाई मेरे जितने भी फैंस हैं सबको मेरी तरफ से प्रेम से आई लव यू, और वो भी प्रेम से, हमारा भाभी जी घर पर है, सीरियल देखें और हर आर्टिस्ट को वो प्रेम से प्रेम करें, बस यही कहना चाहता हूँ।
मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने आप को यू नो सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया और यहाँ पर मुझे अवार्ड दिया गया, और शैलेश सर को स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और मैं फ़र्स्ट टाइम यू नो इनका ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ मैंने अवार्ड यू नो अटेंड किया है, एंड इट वाज़ अमेजिंग, इट वाज़ ब्यूटीफुल, और बहुत ही यू नो बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला और बहुत कुछ समझने को मिला, बिकॉज़ यहाँ पर इतने बड़े बड़े इतने दिग्गज लोग यहाँ पर आए थे, तो ये मुझे इंस्पायर भी किए कहीं ना कहीं, और ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, बिकॉज़ आप एक अवार्ड शो में सिर्फ अवार्ड रिसीव करने नहीं जाते, कुछ ना कुछ सीखने भी जाते हो, तो मैं आज बहुत कुछ सीखी भी हूँ और मैं इस सीख को अपने जीवन में ज़रूर यू नो लागू करूँगी और कुछ ना कुछ ज़रूर बनकर दिखाऊँ। मैं जब 3 साल की तब से मैंने अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया है, और मैं एक चाइल्ड एक्ट्रेस हूँ अभी भी, और मेरा भाई भी चाइल्ड एक्टर है, और मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, मैंने बहुत सारे मूवीज़ किए हैं, बॉलीवुड मूवीज़ में मैंने किए हैं वज़ीर अमिताभ बच्चन सर और फरहान अख्तर सर के साथ, जिसमें मैं फरहान अख्तर की बेटी का रोल निभा रही थी। मैंने रज्जो किया है, मैंने शॉर्ट फिल्म्स किए हैं लाइक रोलिंग ड्रीम्स, दुर्गा जिसमें मैं एज एन बेस्ट चाइल्ड एक्टर नॉमिनेट हुई थी इन वॉशिंगटन DC, और मैंने हॉलीवुड मूवी भी की है 100 Foot Journey, मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं जैसे बहु हमारे रजनीकांत डोलियर मानो के तुम ऐसी रहना, बालवी, नामकरण, मन में विश्वास, भक्ति में शक्ति, देन CID और फियर फाइल्स, आहट, लाल इश्क, और भी बहुत सारे किए हैं, और रिसेंटली मैं ये शो कर रही हूँ कैसा ये रिश्ता अनजाना, और ऊपर वाले की दया से मैंने 300 एपिसोड्स भी कंप्लीट कर लिए, अभी कुछ ही दिनों में हमारे 300 एपिसोड्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, और मैं उसमें एज ए लीड प्ले कर रही हूँ जिसमें मैं अनमोल का किरदार निभा रही हूँ, और मैं अपने सारे फैंस को थैंक यू बोलना चाहूँगी बिकॉज उन लोगों ने मुझे एक अलग यू नो एक अलग मतलब मुझे एक अलग ऊँचाई तक पहुँचाई है और बहुत प्यार दिया है, और उसी प्यार से आज हमें 1 साल हो जाएगा, 300 एपिसोड्स हम कंप्लीट कर लेंगे कुछ एक ही हफ्ते में, सो इट्स अ वेरी मैजिकल मोमेंट, बिकॉज जब मैंने ये सीरियल स्टार्ट किया था तब मुझे लगा था कि चलो लोगों को एंटरटेन करूँगी, लोगों को खुश करूँगी, और आज मेरा वो सपना पूरा हो रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी फैंस को ये कहना चाहूँगी कि अपना आशीर्वाद और अपना प्रेम मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें ताकि मैं ऐसे ही लाइफ टाइम तक आपको एंटरटेन करूँ। थैंक यू। क्योंकि मैं सौभाग्यशाली हूँ अपने माँ बाप की वजह से, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें इतना बड़ा एक्टर बनाया, लेकिन अभी भी हम बड़े एक्टर बने नहीं हैं, ये बस शुरुआत है, और बड़ा एक्टर बनना है अभी, है ना। थैंक यू। मैं देखिए कभी भी अवार्ड मिलता है बहुत अच्छा लगता है, पी क्लब ये गोल्डन ग्लोबल अवार्ड है और अवार्ड मिलना हमेशा ही अच्छा लगता है, और मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ उस ईश्वर का, गॉड का, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सबकी जान है, वही हम सबको रास्ता दिखाता है, बस हमारी मेहनत कोशिश होती है जो हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि कोशिश करते रहिए, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। भाभी जी घर पर हैं, माशाल्लाह से 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं और ये 10वें साल में कदम रख चुके हैं हम, और कसम खा के कह रहे हैं टिल्लू तो यही कहना चाह रही है भैये, जब तक शो चलता रहेगा आप सबके गुर्दे छीलते रहेंगे, मेरा मतलब है आप सबका एंटरटेनमेंट करते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है, और हमारे सेट के जितने भी आर्टिस्ट हैं सब आला हैं, सब आला दर्जे के हैं, सब बेहतरीन हैं। जी जी, शैलेश तिवारी जी वेरी गुड पर्सन, उनके बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, और हमारे भाभी जी के वो ज़बरदस्त फ़ैन भी हैं, और ये अवार्ड भी भाभी जी घर पर एज अ टिल्लू सपोर्टिंग में दिया गया है, उनकी मोहब्बत है, नवाजिश है, और शैलेश तिवारी के मैंने एक बार अभी अंदर कहा, एक कसम खा के कह रहा हूँ, एक तरफ मेरा कंजूस सेठ है मनमोहन तिवारी जो 6 महीने की तनख्वाह दे नहीं रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ उस तिवारी के पिछवाड़े पे लात मारूं और शैलेश तिवारी का नौकरी रख लूं, क्योंकि उसके रिसॉर्ट बहुत हैं, एक ना एक रिसॉर्ट पे कब्जा करके वहीं टिल्लू चश्मा लगा के रहेगा, क्या कहते हो। जी रिसेंटली अभी फायर बोल्ट का मैंने और इत्तेफाक से उसमें हमारे बड़े भाई और बेहतरीन एक्टर आसिफ शेख
जो विभूति का किरदार कर रहे हैं, हम दोनों ने मिलकर वो एक डिजिटल ऐड किया है जो इस टाइम चर्चा में है, और दूसरा फिल्म की है द यूपी फाइल्स, योगी जी पर बनी है वो फिल्म, जिसमें मैंने शैलेश का मैंने जो करेक्टर किया है शैलेश का किया है उसमें, और बेहतरीन किरदार है। फिल्म जो है वो इलेक्शन के बाद रिलीज़ होगी। मनोज जोशी जी योगी का किरदार कर रहे हैं उसमें। फैंस से बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, कसम खा के कह रही हूँ भाई, ये देखो अगर बहुत से मैसेजेस हमारे पास आते हैं कि वो सब अदाकार बनना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ पहले अपने टैलेंट को पहचानिए, अपने अंदर एक निखार पैदा कीजिए, थिएटर कीजिए, आपके अंदर जब रोशनी आ जाएगी तो पतंगे परवाने जो हैं खुद चले आएंगे। इसलिए माँ बाप की खिदमत कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और मैदानी जंग यानी कि मुंबई में आ जाइए। और जितने भी भाभी जी को पसंद करते हैं उनसे टिल्लू सिर्फ इतना कहना चाहता है कि भाभी जी घर पर हैं रात 10:30 बजे मंडे टू फ्राइडे, देखते रहिए, वरना टिल्लू एक एक के गुर्दे छील देगा। मजाक कर रहे हैं टिल्लू, आई लव यू। यस यस, मैंने परफॉर्म किया और मेरे साथ काफ़ी सारे डांसर्स थे, मेरे साथ को सिंगर्स थे, हमने बहुत मतलब मेहनत किया था इसके लिए। और शैलेश बी तिवारी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मुझे पॉपस्टार के लिए ये अवार्ड मिला है और उनके साथ मेरा एसोसिएशन काफ़ी टाइम से है। उनकी फिल्मी लिंक कंपनी है जिसके तरफ से हम लोग काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं आगे, जैसे फीचर फिल्म्स हो गया, और बहुत सारे नए कलाकार को भी चांस दिया जाएगा उसमें, जैसे कि कोई टैलेंटेड सिंगर है, डांसर है, फिर यू नो एक्टर है, उनको भी आगे मौका दिया जाएगा। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला है, और मेरे मम्मी पापा भी आए हैं इधर शो, उनको भी मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि उन्हें भी अच्छा लगा, तो मैं चाहता हूँ कि मम्मी भी कुछ कहे। ये अवार्ड के लिए शैलेश बी तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मेरे बेटे का ये अवार्ड के लिए, थैंक यू। और ऐसे ही आगे हम लोग और सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स करेंगे, उस पर बहुत सारे नए कलाकारों को भी चांस देंगे, क्योंकि मेरा वही मोटिव है कि जितने भी अपकमिंग टैलेंट्स हैं ना उनको चांस मिले इंडस्ट्री में, उनको और आगे ग्रोथ मिले, तो मैं मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनको ऐसे आगे लेके जाऊँ। थैंक यू सो मच। ओके, मेरा नाम नवाब राशिद खान है, बाय प्रोफेशन आई एम आर्टिस्ट, एक्टर भी हूँ और स्टोरी राइटिंग भी करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा अवार्ड मिलके, और आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे यहाँ बुलाया, इनवाइट किया शैलेश जी ने। आई एम वेरी मच इन एक्साइटेड कि मैं बाकी सेलिब्रिटी से मिला, और अच्छा लगा यहाँ पे आके, काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे भी अच्छा लगा, शैलेश जी ने बुलाया, इनवाइट किया, काफ़ी अच्छा लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वैभव शर्मा, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एंकर और आप सभी का दोस्त। आज ग्लोबल इंडियन अवार्ड में लेजेंडरी एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा जी आए थे, मैडम शाहिदा परवीन गांगुली जी आई थी, जम्मू कश्मीर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जिन्होंने 100 से ज़्यादा इनकाउंटर्स किए हुए हैं, और उनके डायनेमिक हस्बैंड जो एनएसजी कमांडोज और ब्लैक कैट कमांडोज के ब्रिगेडियर हैं जिन्होंने पठानकोट का भी स्ट्राइक किया था, वो हमारे बीच में थे, ब्रिगेडियर गौतम गांगुली जी। और आज इन सबके हाथों से मेरे बहुत अच्छे दोस्त समाज सेवी मोहन शिंदे जी को आज सोशल वेलफेयर पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। आपकी ट्रॉफी कहाँ है? अच्छा, वहाँ पर, ओके जी। तो मोहन शिंदे जी को अवार्ड मिला है और बहुत प्यारी इनको ट्रॉफी मिली है, वो वहाँ पर रखी हुई जी। मोहन शिंदे जी, क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा है जी। और आप बहुत लाजवाब काम कर रहे, संत ज्ञानेश्वर जी को आप मानते हैं ना? हाँ, संत ज्ञानेश्वर जी मानते हैं हम, बच्चे लोगों के लिए, अनाथ बच्चे लोगों के लिए 25 साल से काम करें जी। जी जी, 25 साल को बच्चों को संभालते हैं, उसका स्कूल का खर्चा करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसका संस्कार लगाते हैं। जी जी जी, ऐसा हम यानी 25 साल से काम कर रहे हैं। अभी यही साल दूसरे जगह पे दूसरा आश्रम खोल रहे हैं, जून में चालू हो जाएगा। क्या बात है, क्या उधर भी 100 बच्चे, अनाथ बच्चे का उधर भी पालन पोषण हम करेंगे, पूरा खाना, पूरा शिक्षा देंगे, उसका कपड़ा लत्ता सब करेंगे हम फ्री में। पूना आलंदी, ये पूना आलंदी से आए और आज इन्हें ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला सोशल वेलफेयर पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। मैं अपने सभी मीडिया के भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छा कवरेज कर रहे हैं, और रियली थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, और जय महाराष्ट्र, जय हिंद और जय भारत, थैंक यू। यस, मेरे दोस्तों, मेरे साथ हैं भारतीय फिल्म, आने वाले भारतीय फिल्म उद्योग जगत में टीवी सीरियल इंडस्ट्री और हमारे फिल्म उद्योग में लाजवाब गीत लिखने वाले, इन्हें पद्म भूषण उदित नारायण जी, लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर पद्म भूषण उदित नारायण जी, जो संगीत के भगवान हैं हमारे भारतीय फिल्म उद्योग जगत के, इंडियन सिनेमा के और वर्ल्ड के नंबर वन आइकनिक प्लेबैक सिंगर हैं, उनके हाथों भी लवकुश कुमार सिंह जी को 2 बार अवार्ड मिल चुका है, अखंड भारत गौरव अवार्ड और हिंदुस्तान रत्न अवार्ड, और ये इंडियन स्टार अवार्ड भी मिल चुका है।
आज इन्हें ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है और बहुत लाजवाब लिखते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं और मैं इनकी ही अभी पोइट्री को अपने फ़ोन में निकाल रहा था क्योंकि जो उस इंसान की जो अमानत होती है उस अमानत को दुनिया के सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या खुदा दिल में तेरा ही नूर है, लिखूं क्या मुझसे दूर है, करूं इबादत सुबह शाम, तेरी गुलामी मेरा काम, तू सुनता मेरी दुआ ज़रूर है, या खुदा दिल में तेरा ही नूर है। तो ऐसी महान पंक्तियां लिखने वाले जिनके दिल में खूबसूरत खुदादाद सलाहियत का नूर है, ऐसी महान पंक्तियां और कालजयी पंक्तियां लिखने वाले महान गीतकार हमारे बीच में लवकुश कुमार सिंह जी, जिनकी दिव्य सृजनात्मक यात्रा ने उत्तर प्रदेश से सफ़र तय करते हुए आज इस भारत रत्न माँ सरस्वती लता मंगेशकर के ऑडिटोरियम का सफ़र तय किया है और आज इन्हें ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है। अब मैं चाहूँगा लवकुश कुमार सिंह जी, कैसा लग रहा है, ये इनकी खूबसूरत ट्रॉफी है जी। लवकुश जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और भारत रत्न लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में आना गौरव की बात है और यहाँ अवार्ड मिलना भी गौरव की बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही है अवार्ड पाकर भी और आप करता हूँ काम किया है। मैं चाहूँगा कि आप अभी दो पंक्तियाँ अगर सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं साइलेंस, बच्चों को ज़रा चुप कराइए जी। मैं यहाँ मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ। वाह वाह, मैं यहाँ मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ, मिटा दे जो दिलों से नफरत, मैं वो जाम लेकर आया हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और वो एक हिंदुस्तान वाली आपकी पोइट्री। हाँ, गर न हुए फिदा वतन पर, गर न हुए फिदा वतन पर, वतन पर बेकार ये दिलो जहाँ है। हाय 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 हाय, वाह है फक्र। हाँ, है फक्र मुझे इस बात पर जी कि मेरा मुल्क हिंदुस्तान है। आहा, वाह वाह वाह, क्या बात है। और मैं इस पर एड ऑन कर देता हूँ कि जहाँ प्रार्थना और अजान दोनों हम जुबान है, जहाँ प्रार्थना और अजान दोनों हम जुबान है, हिंदू हो या मुसलमान भाई, सबका मोहब्बत को ही तकसीम करना एक ही पैगाम है। और जिस मुल्क में ईद और दीपावली हम साथ साथ मनाते हैं, जी हाँ दोस्तों, यहाँ हिंदू भाई भी मुबारकबाद देता है जब आता है माहे रमज़ान है। और जहाँ प्रार्थना और अजान दोनों हम जुबान है, ऐसे खूबसूरत मुल्क का ही नाम हिंदुस्तान है। तो थैंक यू सो मच लवकुश सिंह जी। 1 2 3 रोलिंग। हेलो एवरीवन, माझं नाव रुचा वायकर आहे। मी 15 इयर्स मध्ये इंडियाचा रेकॉर्ड ब्रेक केला आणि इंडियाज यंगेस्ट ग्लाइडर पायलट झाली। मला हे खूप अभिमान आहे की मी इंडियाची ग्लाइडर पायलट झाली आहे। आता मी 20 इयर्स ओल्ड आहे आणि मी DGCA एक्झाम्स देते आणि आय विल कंटिन्यू टू मेक इंडिया प्राऊड। थँक यू सो मच। जय हिंद। 25 एप्रिल 2024 भारतरत्न लता मंगेशकर ऑडिटोरियम मीरा रोड मुंबई में हम यहाँ पी क्लब एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आए थे और आज का जो माहौल हमने देखा बहुत ही बढ़िया रहा क्योंकि ये एजुकेशन का सब्जेक्ट था। बचपन से मैं एजुकेशन से जुड़ा हूँ। 12 साल की उम्र में खेत में काम किया करता था, स्कूल में फीस भरने की पैसे नहीं थे। वहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैं समझता हूँ ये इनकी अहमियत क्या है। मैं सभी टीम मेंबर्स को धन्यवाद करता हूँ और आने वाली पीढ़ी को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, सच में कुछ करना है, तो पैशन से कीजिए, प्रेशर से नहीं। किसी के दबाव में आकर के कुछ काम कर रहे हैं, परिस्थितियों के दबाव में, पेरेंट्स के दबाव में या किसी और के दबाव में, तो वो काम कभी सक्सेस नहीं होगा। बी योरसेल्फ, हैव पैशन एंड डू द बेस्ट। आई एम कैप्टन एडी मानेक फ्रॉम द स्काईलाइन एविएशन क्लब मुंबई। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। सर ने जो कुछ भी बोला है रियल लाइफ का, उनके ऊपर जो बीता है वो रियल है, जो उन्होंने मतलब स्ट्रगल करके इतना यहाँ तक पहुँचे। सैल्यूट है सर।
थैंक यू, बहुत कुछ अच्छा किया आपने। थैंक यू। और आपकी बुक्स निकली है वो भी मैंने आप देखा, आपकी लाइफ के ऊपर आपने पूरा मतलब स्टोरी उसमें लिखा है, बहुत अच्छा है उसमें, मुझे बहुत पसंद है। वो आगे तक मतलब वो बढ़ रहे हैं तो वो मतलब सैल्यूट है सर के लिए, नसीब वाले होते हैं। अवार्ड भी मैंने देखा, सबको अवार्ड मिला है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे और सबको मिला है। आपके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, शैलेंद्र सर काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं एंड यहाँ जिन जिन लोगों को अवार्ड दिया है वो उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है और मेहनत करके आगे बढ़े हैं, तो उन्होंने उस रूप में लोगों को समझा तो ये एक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं शैलेंद्र सर, तो बहुत अच्छा है। आई एम प्रा जी, मैं तो एक्ट्रेस हूँ एंड मैंने नफीसा मूवी में काम किया है और एक हर हर शंभु मूवी में काम किया है थिएटर के लिए एंड मैंने दो वेब सीरीज किया है, पंचरतन एंड एक जियो के लिए, और अभी मेरा हाल ही में सॉन्ग आने वाला है जी से। हाँ, प्रभावी पाठक, मेरा प्रभावी पाठक।